हेलो फ्रेंड, जय श्री राम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पहली बार एक दिवसीय शिव चर्चा होने जा रही है, जिसके निवेदक है सत्यनारायण पटेल जी। और अभी हम यहां पर जहां पर कथा होने जा रही है, आप देख सकते हैं यहां पर ये कुछ व्यवस्थाएं हैं यहां की। और अभी कुछ एरिया में यहां पर पंडाल बनाया गया है और कुछ एरिया में अभी काम चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इधर की साइड में अभी कुछ काम चल रहा है यहाँ पर, और इधर की साइड में कुछ यहाँ पर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि कल यानी 11 तारीख को सोमवार को यहाँ पर कथा होने वाली है, एक दिवसीय शिव चर्चा। तो कुछ एरिया में यहाँ पर पंडाल बनकर तैयार हो चुका है, कुछ एरिया में भी पंडाल बन रहा है। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको कथा पंडाल तक किस प्रकार से पहुँचना है, क्या साधन मिलने वाला है, ये भी हम आगे बात करेंगे। उसके लिए हमको अभी चौराहे पर जाना पड़ेगा, जो कि बंगाली चौराहा लगता है। यहाँ पर बंगाली चौराहे के पास में ये कथा होने जा रही है। तो अभी हम चलते हैं बंगाली चौराहे के पास में और वहाँ पर जाके हम बात करने वाले हैं, जो कि ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये रोड यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, खासकर फोर व्हीलर या भारी वाहनों के लिए। टू व्हीलर वगैरह आ सकते हैं, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, अच्छी खासी यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आप रेलवे स्टेशन से कथा पंडाल तक आ रहे हैं तो क्या साधन मिलेगा और कितनी दूरी है, ये भी हम बात करने वाले हैं। अगर आप तीन इमली बस स्टेशन से आ रहे हैं तो आपको क्या साधन मिलेगा और किधर से आना है आपको, तो चलिए पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये बंगाली चौराहा, और अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं या फिर बस स्टेशन से आ रहे हैं, दोनों साथ ही में है। तो अगर आपको कथा पंडाल के लिए आना है रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन से, तो आपको बंगाली चौराहा पर यहाँ पर आना है, जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। ये है ब्रिज यहाँ का बना हुआ, आप ये देख सकते हैं ये ब्रिज, यहाँ को इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और आपको सिटी बस या फिर वैन वगैरह आएगी तो आपको यहाँ पर उतारेंगे, ये यहाँ पर आपको उतारेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर इधर की साइड में। तो आप यहाँ पर उतर जाना है और आपको इस मार्ग से चलते हुए इधर की साइड में आपको जाना है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इधर की साइड में जाना है, तो यहाँ पर फोर व्हीलर वगैरह बंद रहेगी, यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। तो फोर व्हीलर वगैरह नहीं जाएगी, ऑटो रिक्शा वगैरह, कारें वगैरह नहीं जाएगी, टू व्हीलर वगैरह यहाँ पर जा सकती है। तो आपको इसी मार्ग से पैदल जाना है, आपको थोड़ा सा आगे, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा आगे यहाँ पर। और अगर आप तीन इमली बस स्टेशन से आ रहे हैं तो आप इधर की साइड से आ सकते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये तीन इमली से इधर की साइड से रास्ता आएगा, तो सिटी बस वगैरह भी आपको यहीं पर उतारेगी इस कोने में। तो आपको यहाँ से उतर के इधर की साइड में ये जो सिग्नल आप जला हुआ देख रहे हैं, इधर की साइड में आपको चले जाना, थोड़ा राइट टाइप पर आता तो उल्टे हाथ वाले रोड पर आपको चले जाना, थोड़ा सा आगे जाके आपको यहाँ पर भीड़ वगैरह दिख जाएगी। और वैसे भी आपको कल कथा है, यानी कि 11 तारीख को यहाँ पर कथा चालू होने वाली है, तो यहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आके बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको बंगाली चौराहा बोल के उतर जाना, बंगाली चौराहे पर आपको यहाँ पर माहौल दिख जाएगा कथा का, तो आप आसानी से वहाँ पर कथा पंडाल तक पहुँच सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं, जय श्री राम, श्री शिवाय, नमस्ते।